जनपद बिजनौर यूपी के चांदपुर में गैस सिलेंडर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। नगर चांदपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान में गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। आपको बता दें कि चांदपुर में जलीलपुर रोड स्थित मोहल्ला चिमन निवासी मनोज पुत्र राम स्वरूप सिंह के मकान में उस समय आग लग गई जब घर की महिलाएं खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का उपयोग कर रही थी। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर से लगी आग के कारण वॉशिंग मशीन, पानी फिल्टर, बिजली का मीटर, फर्नीचर का सामान एवं कीमती कपड़े जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना पाकर मोहल्ले वासियों में भगदड़ मच गई। यह हादसा बड़ा भी हो सकता था। सभी मोहल्ले वासियों ने तेजी से घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दिल्ली इंडिया न्यूज के लिए शमशाद सैफी की रिपोर्ट। मनोज, मकान मालिक। खाना बनाते समय पाइप में आग पकड़ी, फिर उसके बाद सिलेंडर में आग पकड़ी और आग इतनी तेजी से बढ़ गई तो काबू नहीं हो पाया। उसमें हमारा सारा सामान, घर का वॉशिंग मशीन है, फिल्टर है पानी का, और एक फोल्डिंग पलंग है, एक खाट है, सोफा है, बच्चों के तीनों कोट थे, लाइट की फिटिंग विटिंग सब, और कपड़े लत्ते बहुत सारे जल गए हैं। कितना नुकसान हुआ? लगभग लाखों का नुकसान हुआ मेरे हिसाब से।